आप तो एक मणिपुरी है, लेकिन आप अरुणाचल में आके अरुणाचल को कैसे मतलब रिप्रेजेंट करता गया? सुनने में आया आपका तो बहुत सारा रिकॉर्ड है। क्या मणिपुर को होने से भी हम ये स्टेट के लिए, अरुणाचल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो सपोर्ट करते हैं उसको तो दिल से थैंक यू। सबको ऐसे सपोर्ट करते दीजिए और प्यार करिए। राणा दग्गुबाती सर, जो मतलब उसका मतलब जो बाहुबली में वो कैरेक्टर एक प्ले करते हैं, बल्लर देव ना, जी हाँ, तो उनके साथ खेलने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा शायद ये मैच जो है। ईटानगर को हारिंग उदन मोकू वालो रुरे अंग्रे प्लेन लोग नुनो पब्लिक लोग को एक रिक्वेस्ट है कि नुनो कार्यानंगा आए उन्होंने बीमार आजरा उदम उदम अब दुख तकलीफ नहीं होने के लिए प्रार्थना उदम जिला ने। अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग का कौन बॉक्सर्स है जो हैदराबाद में पार्टिसिपेट, जो भाग लेने जा रहा है इस लीग मैच पे? दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेजी शक्ति। आप सभी ने तो एपीबी यानी कि अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग का मैच तो देखा ही होगा। कुछ महीनों पहले हमारा जो अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग के जो बॉक्सर्स थे वो अभी खेलने जा रहे हैं हैदराबाद पे, यानी कि वहाँ पे एक इवेंट है, इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग एक मैच होने जा रहा है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से जो अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग का टीम में से चार लोग वहाँ भाग लेने वाले हैं। तो आप सब इसके विषय में जितने भी डिटेल्स है वो सब हम अभी हमारा साथ है अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग के जो कमिटी है वो है, उनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आप सब ध्यान दीजिएगा और आप सब अपने बेटी को, अपने बहन को, अपने भाई को आप सब आशीर्वाद जरूर देना। आप सब उन सभी के लिए आप सब प्रार्थना कर दीजिए कि उन्हें कुछ ना हो इस खेल के दौरान। इस लीग का बारे में हम जो जो कमिटी है अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग कमिटी, तो उनसे हम जाने के लिए कोशिश करेंगे कब होगा, एग्जैक्ट मैच कब होगा और कहां पे हमें जितने भी हमारा अरुणाचल फैंस है जो हमें हमारा जो बॉक्सर्स है उन्हें सपोर्ट करते वो कहां देख पाएंगे। तो यह सब डिटेल्स जो है हम कमिटी से जानेंगे। तो सर आप इस खेल का जो डिटेल्स है वो हमें बता दीजिएगा जी। सबसे पहले मैं अभ्रत सुमंते जिम गंगा उसको थैंक यू बोलूँगा और ये इन्फिनाइट जिम गोपुर को थैंक यू। हम लोग ये एपीबी अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेगा, ये आईपीबीएल जो कि इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग है, हैदराबाद में होने जा रहा है। ये फेबर 29 को होगा मैच और 27 को हम लोग यहाँ से निकलने वाला है। और ये आईपीबीएल इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के साथ कोलैब करके और एक इंडियन एक्टर प्लस प्रोड्यूसर राणा दग्गुबाती सर उसके साथ कोलैब करके ये बॉक्सिंग बे शुरू किया है, तो आईपीबीएल उसका थ्रू से ही हेल्ड हो रहा है। तो हम लोग अभी 29 को यहाँ से फ्लाइट से सब अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपने अभी क्या बताया, राणा दग्गुबाती सर? राणा दग्गुबाती सर जो मतलब उसका मतलब जो बाहुबली में वो कैरेक्टर एक प्ले करते हैं, बल्लर देव ना, जी हाँ, तो उनके साथ खेलने वाला है? नहीं, वो ऑर्गेनाइजर में है। ऑर्गेनाइजर में है, अच्छा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा शायद ये मैच जो है, और ये एग्जैक्ट जो है 29 को है मैच। हाँ, तो इसमें जितने भी हमारा जो आपका जो अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग का जो बॉक्सर्स लुक है उसका ट्रैवलिंग अलाउंस और जो जो कुछ भी यहाँ एक्सपेंडिचर रहेगा वो सब आप लोग बेयर कर रहे हैं ना उन लोग जो है बॉक्सर्स लोग खुद से कर रहा है? ये एक्सपेंडिचर तो 80% तो हम लोग कमिटी लोग ही कर रहे हैं शुरुआत से, और छोटा मोटा कुछ होता है जो बॉक्सर्स लोग अपना इक्विपमेंट्स गियर्स ये सबको उन लोग खुद से कर रहे हैं। और ये जो आईपीबीएल वाला है उन लोग ने ट्रैवलिंग अलाउंस भेजा है, लेकिन इट वॉज नॉट एनफ क्योंकि वो ट्रेन का टिकट के लिए भेजा था, जबकि अरुणाचल से हैदराबाद का ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन मिलता नहीं है और फिर फ्लाइट फिर बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो ट्रेन से जाने से लगभग 3-4 दिन लग जाता है, तो आना जाना हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग खुद से फ्लाइट टिकट को कंट्रीब्यूट करके कमिटी लोग, तो आप लोग मतलब कमिटी लोग आप लोग कर दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग का जो कमिटी है वो बहुत इन बॉक्सरों को साथ दे रहा है। जहाँ जाना था ट्रेन से, लेकिन उन लोग तकलीफ अपना जो बॉक्सर है उन्हें तकलीफ होने नहीं देगा बोल के तो फ्लाइट से उन्हें भेज रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात। तो ये मैच जो है 29 को होगा, लेकिन हमारा जो अरुणाचल का जो फैंस है जो बॉक्सर हमारा इन बॉक्सरों को कहाँ पे देख सकते हैं? क्या हमें लाइव देखने को मिलेगा या फिर कहा टीवी में कुछ क्या में देखने को मिलेगा इन लोग का मैच को? ये
सबसे फर्स्ट तो हैदराबाद ये जुबली हिल्स में वहाँ प्रोस्ट बोल के एक बड़ा सा क्लब है, तो वहाँ पे उन लोग का इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में ऑफिशियल पेजेस लोग है प्रोस्ट बोल के, वहाँ हम लोग को लाइव देखा। अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग का कौन बॉक्सर्स है जो हैदराबाद में पार्टिसिपेट जो भाग लेने जा रहा है इस लीग मैच पे, इस प्रोफेशनल लीग मैच पे, तो आप सब हमारे साथ बने रहेगा। तो सबसे पहले ये आप सभी ने तो इन्हें तो देखा होगा अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट के दौरान, तो हम इन्हीं से ही इनका नाम को जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपका नाम बता दीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पोकन सिगा, मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और ये अभी फिलहाल तो मैं वेल्टरवेट कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ अरुणाचल को ये कमिंग IPBL इंडियन प्रो बॉक्सिंग लीग पे। थैंक यू पोकन, आप कितना एक्साइटेड है इस खेल को लेके, हैदराबाद में आप खेलने जा रहे हैं, सुनने में आया है आप लोग जो है तमिलनाडु के साथ खेलने जा रहा है, तो आप कितना एक्साइटेड हैं? आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड, जिस तरह हम लोग एक प्लेटफॉर्म मिला और ऐसे अच्छा जगह में एक क्लब है प्रोस क्लब, जहाँ पे हम लोग को इतना अच्छा से खेलने का एक प्लेटफॉर्म खेलने का मौका मिला, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आपको लगता है आप पूरा तैयारी के साथ है अभी आप? जी, प्रैक्टिस तो फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि पिछले एक महीने से सुबह शाम हम लोग अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह मेहनत को देख के लगता है कि अच्छा सक्सेसफुल रहेंगे और अच्छा रंग लाएंगे। आप जितने भी हमारा अरुणाचल का आप सभी को तो सब बॉक्सर्स लोग को मैंने देखा बहुत प्यार करते हैं, तो उन सभी को माता पिता जो भाई बहन लोग जो है दोस्ती यारी जितने भी है, आप उन सभी को क्या एक अपील करना चाहेंगे? सबको अपील करना चाहूँगा कि सब लोग अगर बच्चे लोग अपना स्पोर्ट खेलते हैं तो उसे कंटिन्यू रखने दीजिए, उसे मत बोलिए कि बस पढ़ाई करना है आप लोगों को, क्योंकि अभी पढ़ाई में अकेला ये चीज़ जो प्लेटफॉर्म ये नहीं बचा, अभी जो अभी अलग अलग फील्ड को भी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे निवेदन करता है कि बच्चा लोग स्पोर्ट में भी आगे ये भेजिए और बच्चा लोगों को सपोर्ट करिए और मोटिवेट करिए और हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। जी, तो दोस्तों ये था पोकन सिगा, आप सभी तो सुन लिया होगा, तो अभी हम दूसरे फाइटर जो जा रहे हैं हैदराबाद में उन्हें आप मिलाएंगे। जी, तो दोस्तों ये है श्याम कुमार मिथे, है कि नहीं? जी सर। जी, श्याम कुमार मिथे को आप सब ने जानते हैं और सोचता भी होगा आप लोग, श्याम कुमार मिथे जो है ये एक मणिपुरी है, अरुणाचल को कैसा ये रिप्रेजेंट करता है, तो है ना ये बात, लेकिन हम इस सब चीज़ों को लेके हम श्याम कुमार को खुद ही उन्हीं से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो श्याम कुमार जी, आप बता दीजिए, आप तो एक मणिपुरी है लेकिन आप अरुणाचल में आके अरुणाचल को कैसे मतलब रिप्रेजेंट करता गया? सुनने में आया आपका तो बहुत सारा रिकॉर्ड है, पहले भी बहुत पार्टिसिपेट किया, बहुत सारा मेडल लाया अरुणाचल के लिए, आप बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया पार्टी को, एंड मैं जब आया था क्लास 9 से यहाँ मेरा पढ़ाई शुरू किया और इसके बाद कॉलेज कंटिन्यू करते गया, फिर इसके बाद छोटा सा कराती से मेरा स्टार्टिंग होता स्पोर्ट्स में, कराती में 8 साल रहा और अरुणाचल को रिप्रेजेंट बहुत बार किया स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये कुरुंगकुमे के लिए खेलता था क्योंकि मेरा ओनर जो कुरुंगकुमे का था। तो रिसेंटली ये APB जो टीम वाला लोग ने हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि मेरे को भी सुन के अच्छा लग रहा था ये चीज़ से बहुत आगे जाने वाला है, ये इसका कारण से हम भी स्टार्टिंग में तो थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था, कैसे कराते में कैसे करके बॉक्सिंग में कैसे घुसेगा ऐसे सोच के, जो अचानक में कराते करता था पहले अभी बॉक्सिंग में डायरेक्ट। हाँ जी, बॉक्सिंग में डायरेक्ट आ गया था। जी वो भी APB डायरेक्ट अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग में। तो हम रात भर सोचते रहा तो थोड़ा हल्का सा वीडियो हाईलाइट से देखा मैंने, तो फिर इसके बाद कोई नहीं हम भी कर सकेंगे, इंसान है क्यों नहीं। तो मेरा फर्स्ट मैच हुआ था ये ईटानगर मोपिन ग्राउंड में, उसमें थोड़ा ओपोनेंट के साथ थोड़ा चर्चा तो हो रहा था, ओपोनेंट भी मणिपुरी क्या था, तो क्या मणिपुर को होने से भी हम ये स्टेट के लिए अरुणाचल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे, तो हम मेरा सोच दिमाग यही का पड़ गया, तो हम वो इवन हम मणिपुर को होने से भी वो ओपोनेंट भी मणिपुर को होने से भी हम उसको लग नहीं है, तो मेरा फर्स्ट मैच भी है ऑलरेडी, वो डिबिट हो चुका है, वो खेल के हो चुका है। तो जिस दिन मेरा साथ लगा था मैंने इसको टेक्निकल नॉकआउट दिया था, टेक्निकल नॉकआउट देने के बाद इसके बाद मेरा रिकॉर्ड अच्छा होने लग गया, अभी ओवरऑल इंडिया में मेरा रैंक 10 में है, और APB वाला लोग को बहुत दिल से थैंकफुल करना चाहता हूँ
क्योंकि उन लोग के कारण से ऐसा आगे जाने का मौका मिल रहा है। और अभी नेक्स्ट हैदराबाद में ये कल परसों जो जा रहे हैं 27 को निकलेगा, 29 को फाइट है, तो बहुत एक्साइटेड है। इवन वो जितना भी भले जितना तगड़ा घाटा हो, हम लेकिन डरने वाला नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। इसको आप बहुत एक्साइटेड हैं? बहुत फुल एक्साइटेड है, एकदम पावरफुल एक्साइटेड। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आप कुछ गोल्ड मेडल वगैरह लेके आएंगे? गोल्ड जितना मैं 100% दे सकता हूँ उसको दे दूँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये उसका भी दो हाथ है, मेरा भी दो हाथ है, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए देखा जाएगा वो दिन में। तो दोस्तों ये था सैम कुमार मिथे। तो अभी हम और दो फाइटर है, उन्हें हम मिलाएंगे। तो आप सभी ने तो देखा था, मुझे मालूम है आप सभी ने तो जो अरुणाचल फाइट नाइट, अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट जो है वो तो देखा है, सभी को आप सब ने मालूम हो गया होगा। लेकिन हम अभी जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उस मैच को, लेकिन और अभी जाके आप सब देख लीजिएगा, ATTV पे अवेलेबल है वो वीडियो, सभी का मैच आप देख सकते हैं। और जी इनका नाम आप अपना नाम बता दीजिए, मुझे तो मालूम है लेकिन आप से ही आपका मुंह से ही सुनने मन है। उंगो मैंने रामपाल निलिंग उंगो अपर सुबनसिरी लोकर रिप्रेजेंट मधो मुनु सो कंगो बॉक्सिंग उदारी नी आपीगु दोप उनु तगिन तगिन को रिप्रेजेंट नंग नी आमगु दोप सिग्या को कोचिंग माइंग बर्मा को उंगो कोचिंग नेलंग आई मणिपुर का आखू दोप तो उनु अरुणाचल को द रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनु सो कोंग इटानगर कोंग हारिंग उदन मोकु आलो रुरेनी अंग्रे प्लेन लोक नुनो पब्लिक लोग को एक रिक्वेस्ट है कि नुनो कार्यान आए उनो बीमार अजरा उदा मधुम अब दुख तकलीफ नहीं होने के लिए प्रार्थना उदा मजिला ने। और हम ये APP हम लोग टीम को बहुत दिल से थैंक यू है जो हम लोग को ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहा है। और उसके बाद बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है हैदराबाद में, उसके लिए रेडी है हम रिंग ऊपर उतने के। दोस्तों ये था रामपाल नीलिंग, आप सभी ने अभी देखा भी होगा और अभी सुन भी लिया होगा। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक जो है अपने जो डायलेक्ट है वो बुला नहीं है, वो अपने जो तागिन समुदाय से आते हैं रामपाल जी। तो जितने भी अपने जो तागिन समुदाय के लोग हैं उन्हें अपील किया, तो अगली बार रामपाल जी से हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि रामपाल आप जो है कितना एक्साइटेड है इस लीग मैच को लेके, लीग को लेके, इस प्रो बॉक्सिंग को लेके जो हैदराबाद में खेलने जा रहा है। एक्साइटेड तो है और उसके लिए प्रिपरेशन भी कर चुका है, एक महीना से हमने ट्रेनिंग कर रहा है मेरा बॉक्सिंग कलीग्स का साथ। तो यस आई एम रेडी, मतलब अभी रामपाल नीलिंग ऑल सेट टू गो। यस यस आई एम रेडी टू स्टेप इन द रिंग। मेरा नाम मिस यारो माइन। यारो आप कहाँ से है? जी मैं अपर सुबनसिरी। तो यारो माइन है इनका नाम। तो यारो आप इस जो आप लोग जो है अभी हैदराबाद में खेलने जा रहे हैं तमिलनाडु के खिलाफ जो है, तो इस मैच के लिए, इस लीग के लिए, प्रोफेशनल लीग जो है, इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? जी बहुत एक्साइटेड है, यही मोमेंट के लिए बहुत प्रैक्टिस किए है, बहुत मेहनत किए है। तो यारो जी आप जो है पहले क्या क्या खेल चुका है अरुणाचल के लिए, कितने रिप्रेजेंट किया, क्या क्या किया, आप हमें बता पाएंगे? क्योंकि सभी लोग जानना चाहता है कि आप एक प्रोफेशनल खेल खेल रहा है, तो आगे पीछे आप तो कुछ किया था होगा जो आप अभी और भी खेलने जा रहा है, आप बता दीजिए आपने जो लोगों को। जी प्रोफेशनल घुसने से आगे हम एमेचर बॉक्सिंग पर था, नेशनल बहुत खेल है, नेशनल पर 2 ब्रॉन्ज है और स्टेट पर तो स्टेट में भी है बहुत मेडल। यारो आप जितने भी हमारा जो माता पिता है, आप एक सिंगल लेडी है, आपको तो और भी बहुत सारे लोग जो है प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप उन सभी को, जितने भी आपका पेरेंट्स है, आपका जो अरुणाचल के लोग हैं, हमें जो आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन सभी को आपके तरफ से क्या एक अपील रहेगा इस खेल के लिए, अभी जो आप लोग हैदराबाद में खेलने जा रहा है तमिलनाडु के खिलाफ जो है, इस लीग के लिए आप क्या अपील रहेगा? जी जो सपोर्ट करते हैं उसको तो दिल से थैंक यू, सबको ऐसे सपोर्ट करते दीजिए और प्यार करिए हम लोग को जो APP टीम है। और
अभी हम लोग जो खेलने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोग प्रे कर दीजिए कि जब खेलते समय कुछ ऐसे घटना ना हो, इंजूर ना हो कुछ वो। तो दोस्तों ये था यारो माइंग, आप सभी ने सुन लिया होगा। जैसे कि यारो जी ने कहा कि आप सभी को जितने भी जो अरुणाचल के लोग हैं जो इन बॉक्सरों को सपोर्ट करते हैं उसे ठीक उसी प्रकार सपोर्ट करते रहना। इनका कहना है कि ताकि इस खेल के दौरान जो है इस लीग में जो हैदराबाद में खेलने जा रहा है तमिलनाडु के खिलाफ जो है उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ पे आने जाने में भी फ्लाइट पे जाएंगे आने जाने में रहने में जो इस एंटायर जो है खेल के दौरान जो है ताकि उन लोगों को कुछ ना हो, इसीलिए आप सभी का प्रार्थना और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप सब उन्हें सपोर्ट करना, जितने भी चार बॉक्सर्स यानी कि पोकेन सिगा, यारो माइंग, रामपाल नीलिंग और श्याम कुमार मिथे जो जा रहे हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करके अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग के टीम की तरफ से, आप उन्हें इसी तरह प्यार देते रहना। मैं तेजी शक्ति कैमरामैन अरुण देका के साथ, धन्यवाद।